किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान पर। किसान भाइयों, आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे पास दो किसान भाई आए हैं, भारत भूषण जी और सुभाष जी। दोनों हिमाचल प्रदेश से आए हैं। कौन से? मंडी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। सारी रात इन्होंने ट्रेन में ट्रेवल किया और सुबह ही मेरे को 6 बजे फ़ोन किया। मैं तो 100 कभी भी नहीं उठाता। खैर, ये मेरे फार्म पर पहुंचे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इनको। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उससे पहले वहाँ पर विजिट करें, किसी ऐसे फार्म पर ज़रूर विजिट करें कि जहाँ पर देख सकें। वीडियो में लोग क्या दिखाते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हो। तो पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद में अपनी प्लान बनाएं। एक थोड़ी सी दुख की बात भी है आज मेरे लिए कि मैंने 4 बीघे में एलोवेरा लगाया था पिछले साल 6 जून को। आज मुझे उसकी बिक्री न होने की वजह से मुझे, देखिए ये पौधा है जो मैंने काटा है, ये 1 साल का लगभग हो गया, 6 जून को प्लांटेशन किया था। और इसके वजन से मैं देख रहा हूँ कि वैसे तो मैंने 10,000 पौधे लगाए थे, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इसमें 6,000 पौधे बचे हुए हैं। ये 5 किलो से कम का नहीं होगा, आप बताओ। ये 5 किलो का कम होगा। अब अगर मान लीजिए कम से कम मेरे 4,000 पौधे ऐसे होंगे, तो अगर ये 3 रुपये किलो भी बिकता तो 15 रुपये का एक पौधा था, यानी कि 4,000 पौधे 60,000 रुपये का मेरा माल। किसान भाइयों, जिस आदमी से मैंने ख़रीदा है उसने मेरे को बहुत बड़ा धोखा दिया। अप्रैल से वो कह रहा है कि लूँगा, फिर उसने कहा रमज़ान आ गई, फिर रमज़ान भी ख़त्म हो गई, मेरे को प्रॉमिस किया कि रमज़ान के अगले दिन से हम आपका काटना शुरू कर दें। उसके रमज़ान के आप कहने लगा जी ये तो पता नहीं 30 तारीख तक भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देखता हूँ, बहाने में लगा। किसी किसान की कम से कम 60,000 की फसल अगर बर्बाद हो रही है तो आप देखिए, ये मैंने एक जो वीडियो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें इंक्लूड करता हूँ कि ये ट्रैक्टर चल रहा है, ये बाहर आ रहा है, इसमें तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। आप सब लोगों को ना हो तो इस एरिए में, सहारनपुर के में, जिसकी बलुई दोमट मिट्टी है, बिल्कुल ना लगाए। छुटमलपुर के ये हैं, मतलूब अहमद है, ये बहुत ही धोखेबाज आदमी है, झूठ बोलने बहुत झूठ बोलते हैं, सामान भी सही नहीं देते हैं, तो इस बात से निश्चित है। अब मैं आपसे बताता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर क्या सीखा और कैसा लगा, ये बताएंगे आप भारत। चलो, ये बात तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन मैं सभी अमेजिंग किसान भाइयों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज डॉक्टर साहब का जो खेत का जो हाल देखा, इसे देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। इस प्रकार का जो 5-6 किलो का पौधा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ऐसा इन्होंने वहाँ ढेर लगाया, और अगर एक खेत की तरफ कैमरा घुमाए वहाँ ट्रैक्टर चल रहा है, कितनी बर्बादी इनकी हुई है और कितना नुकसान हुआ है। ये तो चलो डॉक्टर साहब की बात है, अगर कोई गरीब आदमी बेचारा फसल को करने की कोशिश करता और उसके साथ ये व्यवहार होता तो उसका क्या हाल होता। तो मैं जैसे डॉक्टर साहब ने राय दी कि ऐसे ठगने वाले लोगों से आप सब बच के रहें, सावधान रहें। मैं हिमाचल प्रदेश से चलकर पूरी रात सफ़र करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ डॉक्टर साहब से। मैंने इनका अमेजिंग किसान वीडियो में देखा था कि इनका जो अमरूद की खेती करने का तरीका, अमरूद क्या दूसरा नींबू का भी इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, और इनका ये बर्मी कल्चर का जैसे इन्होंने अपनी वो खाद तैयार किया है वो भी मेरे को इनका बहुत ही अच्छा लगा, और ख़ासकर इनका ये अमरूद की खेती करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसको अमेजिंग इसमें किसान में देखा था, उसको देखने के बाद मैंने विचार किया कि मुझे वहाँ जाकर उनकी तकलीफ देखनी चाहिए, उन्होंने कैसे किया है। मेरे साथ मेरे बड़े भाई सुरेश सुभाष जी, ये भी मेरे साथ आए, इन्होंने, ये भी बड़े उत्सुक है इसका बगीचा लगाने के लिए। तो हम यहाँ आया तो डॉक्टर साहब का ये काम करने की तकनीक मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इन्होंने जिस तरीके से अपने बाग को तैयार किया हुआ है। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से ये करूँगा कि अगर उन्हें कभी बगीचा लगाना हो तो ऐसे जानकार और अनुभवी व्यक्ति के पास आकर अपना पहले अनुभव लें, उसके बाद ही वो अपना बगीचा लगाने का काम करें। धन्यवाद। चलिए सुभाष जी, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए थोड़ा सा। बस मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, जो कहना था वो सुभाष जी ने, भूषण जी ने सारा कह दिया, तो मैं भी इनकी बातों से पूरा सहमत हूँ जो इन्होंने बताया, तो उस पर सारे भाइयों को ज़रूर गौर करना चाहिए। धन्यवाद। ये आज की मुलाकात जो हमारे साथी हैं बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अभी परेशानी इस बात की होती है यहाँ पर
कल भी लखनऊ से दो आदमी आए थे, एक नर्सरी वाले भी थे और किसान भी थे, वो मेरे से कुछ बात कर रहे थे, कुछ अच्छे टिप्स भी दिए उन्होंने मुझे। और एक मेरा गांव है पास में, बहुत अच्छे किसान हैं जबरेडे के पास में, तो उनके पास 150 बीघे जमीन है, 25-25 बीघे अमरूद के बाग लगाना चाहते हैं। और बाद में ये कह गए, डॉक्टर साहब आप हमारे खेत पर आइए, हमें बताइए कैसे कैसे करना है। काम बहुत है और मना भी नहीं होती है अपने आसपास वाले को, क्योंकि गवांड का मामला है, जो कहते हैं आसपास का मामला है, और कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, कहते जी आप जो भी कहेंगे हम करेंगे, पर हमारी एक काम शुरू कराइए। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग डॉक्टर साहब से किसी बारे में पूछते हैं और उसका कोई हल या समाधान बताते हैं, तो आज डॉक्टर साहब मेरे को बता रहे थे कुछ नाराज़गी है इस बात के लिए, क्योंकि किसान भाई उस चीज़ को जैसे उन्होंने कोई समाधान बताया, उसका उत्तर जवाब नहीं देते कि हमें ये करने से इसका ये फ़ायदा हुआ या फ़ायदा नहीं मिला। अगर वो इस बात को शेयर कर देंगे तो जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए किसान हैं उनका भी कुछ फ़ायदा होगा। जो भी ये तकनीक बताएं तो उसका आप ज़रूर उसका जवाब दें कि इससे हमें ये फ़ायदा हुआ या ये नुकसान हुआ, ताकि भविष्य में उसके ऊपर हम फिर से कुछ ना कुछ और काम के ऊपर कर सकें। धन्यवाद। किसान भाइयों, एक चीज़ और याद रखिए कि मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पर जो हमारा ग्रुप था अब वो नहीं है, क्योंकि उसमें 256 मेंबर के सदस्यों की लिमिट आ गई थी। अब ये ग्रुप टेलीग्राम ऐप पर है, वहाँ पर करीब 210 मेंबर हो चुके हैं और रोजाना 2-3 जुड़ते हैं उससे। तो आप सबसे निवेदन है कि मुझे ये मत कहें कि आप हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए, ये ग्रुप अब नहीं है। आप सब जाइए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए और अमेजिंग किसान सर्च करिए और वहाँ पर अपने आप ही ज्वाइन करिए, ये पहली बात। दूसरी बात ये, हमने एक चीज़ बार बार न बतानी पड़े उसके लिए अपनी वेबसाइट बनाई है amazingkisan.com, आप उस पर ज़रूर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। उस रजिस्ट्रेशन से ये फ़ायदा होता है, जैसे भारत भूषण जी आए हैं कि वो ये कह सकते हैं कि भाई मेरे आसपास या हिमाचल प्रदेश में कौन कौन किसान है, किस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये सब पता चलेगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।